दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और इस सब्जेक्ट के अंदर आज हम लोग समझेंगे रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज। याद रखें इस सब्जेक्ट का यह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि थ्योरी एग्जाम में इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो लोग इस सब्जेक्ट से गवर्नमेंट एग्जाम की किसी भी टाइप के तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज पर हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी लोगों को लेक्चर पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज है उनको तीन भागों में डिवाइड किया गया। पहली होती है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, दूसरी होती है सेफ वर्किंग प्रॉपर्टीज और फिर होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। याद रखें इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया, इसलिए परेशान ना हो क्योंकि स्टूडेंट कई बार कहीं ना कहीं से पढ़ लेते हैं तो वो स्टार्टिंग में वीडियो देखते हैं तो उनको लगता नहीं गलत बता रहा हूं मैं। तो याद रखें सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक्स से आप लोग समझते होंगे, थर्मोडायनेमिक्स का जो मतलब होता है हीट से, किससे मतलब होता है हीट से। हीट का मतलब है जो रेफ्रिजरेंट हमने समझाए हुए थे पिछले जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था रेफ्रिजरेंट क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो रेफ्रिजरेंट कितने टाइप्स के होते हैं, ये जो टाइप्स बनता है या कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार जो टाइप्स होते हैं वो कब बनते हैं, जब रेफ्रिजरेंट के अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं। और जो रेफ्रिजरेंट का यूज किया जाता है या डिफरेंट टाइप्स के जो रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं वह उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर करते हैं। मतलब सभी रेफ्रिजरेंट का अपना खुद का एक गुण होता है, उनको हम कहां पर यूज कर सकते हैं और किस लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सब उनकी पहचान कैसे होती है, उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, मतलब उनके गुण के आधार पर। तो पहली जो प्रॉपर्टीज हम लोग पहचान करते हैं वह करते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज से। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका संबंध हीट से। जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वह क्या करता है, हीट को एब्जर्व करता है लो टेम्परेचर रीजन से और जो हाई टेम्परेचर रीजन है वहां पर उसको रिजेक्ट करता है, ये उसका फंक्शन होता है, इसलिए इसका संबंध है। अब यहां पर हमें जब थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो उसके टेम्परेचर की बात होती है। टेम्परेचर में हम दो टाइप्स के टेम्परेचर देखते हैं, एक तो होते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर, एक होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर। एक होता है बॉइलिंग टेम्परेचर और एक होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो नॉर्मली जो आइडियल रेफ्रिजरेंट है उनके लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वह कैसा होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लो होना चाहिए। कुछ यहाँ पर रेफ्रिजरेंट है उनके बॉइलिंग पॉइंट दिए गए, बॉइलिंग पॉइंट का संबंध होता है कि इस टेम्परेचर पर यह बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉइल तो आप सभी लोग जानते होंगे बॉइल क्या होता है, तो यह इस टेम्परेचर पर बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अमोनिया देखें तो अमोनिया का -33.3 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर यूनिट दिए, इतने पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। F12 देखें तो इतने पे बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे ही F22 इतने पे और CO2 इतने पे और SO2 इतने पे। ये F का मतलब फ्रियोन होता है, तो याद रखें F मतलब फ्रियोन होता है। तो ये क्या है, टेम्परेचर लिखे भी आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पर। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर है। तो ये हो गए हमारे बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे फ्रीजिंग टेम्परेचर की। नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट या क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर से, फ्रीजिंग टेम्परेचर से बोल सकते हैं। अब फ्रीजिंग टेम्परेचर देखने की जरूरत क्यों पड़ती, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा लिक्विड के रूप में रेफ्रिजरेंट होता है वह क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है पूरी साइकिल में, जो भी हमारी रेफ्रिजरेटर की साइकिल होती है। तो क्या होता है, यदि वह जम गया, क्या होगा, यदि वह जम गया मतलब फ्रीज हो गया, तो वह सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि जो रेफ्रिजरेंट है उनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिससे उस टेम्परेचर को मेंटेन कर सके और वह फ्रीज नहीं होना चाहिए, जिससे वह क्या कर सके, उसमें सर्कुलेट हो सके और लो टेम्परेचर रीजन से हीट को एब्जर्व जल्दी कर सके। क्योंकि हम जो वस्तुओं की तुलना करते हैं और जो हमारा उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है उससे बहुत कम होता है, तो ज्यादा से ज्यादा उसको ठंडा कर सके। तो ये भी हम टेम्परेचर देखते हैं। याद रख के इस पे जो गवर्नमेंट एग्जाम में MCQ क्वेश्चन आते हैं उस पर हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर क्वेश्चन आते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर पूछा जाता है रेफ्रिजरेंट के अकॉर्डिंग, इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना है या पॉइंट कितना है या फिर इसका जो
बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, या तो बॉइलिंग जो हमारे रेफ्रिजरेंट है उनके नाम दिए जाते हैं और ऑप्शन में मतलब टेम्परेचर दिए जाते हैं, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर कुछ फ्रीजिंग पॉइंट दिए हैं कि इस टेम्परेचर पर यह जमना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो अमोनिया का फ्रीजिंग पॉइंट -78.8 है, फ्रियोन का 12 का है -157.8, ऐसे ही F22 का है -160, CO2 का इतना है और SO2 का इतना है। तो ये हमारे फ्रीजिंग पॉइंट से हैं जो फ्रीजिंग टेम्परेचर बोल सकते हैं, वो आपको यहाँ पर दिख गए होंगे, वो इनको नोट भी कर लिया होगा उम्मीद है आप। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी समझते हैं। तो जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी चल रही थी उसमें देखें तो एवोपोरेटिव और कंडेंसर प्रेशर, एवोपोरेटर और कंडेंसर प्रेशर है वह उसका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए। पॉजिटिव इसलिए होना चाहिए जिससे वह उसके अंदर सर्कुलेट हो सके। इस तरह नेक्स्ट यहाँ पर लिखा क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर कैसा होना चाहिए, एवर विच कैन नॉट बी रिक्वायर्ड एक्सेप्ट एनी हाई प्रेशर। कहने का मतलब ये है जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर है उस टेम्परेचर या प्रेशर को बोलते हैं जिस पर क्या होता है, जिसके ऊपर अगर प्रेशर और टेम्परेचर होता तो वहां पर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वह कैसा होता है, कंडेंस नहीं होता है। क्या होता है, कंडेंस नहीं होता है ना। तो मतलब क्या कहने का मतलब है उसका, जो भी हमारा हाई प्रेशर होता है उस पर क्या होता है, उससे ऊपर होने पर कंडेंस नहीं होता। इसलिए ऐसा बोला जाता है जो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ऑफ रेफ्रिजरेंट का वह कैसा होना चाहिए, हायर देन कंडेंसर प्रेशर होना चाहिए। मतलब कंडेंस जिस पर कंडेंस हो जाता है जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, कंडेंस का मतलब होता हुआ है फिर से वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। किससे, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पर इसका जो टेम्परेचर है कंडेंस टेम्परेचर उससे कैसा, जो क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जिससे क्या हुआ, उस इसलिए इसका इसकी डेफिनेशन में बोला गया कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वह कैसा कैसा होता है, हमेशा हायर होता है कंडेंसर टेम्परेचर से। इसलिए उससे अगर अधिक टेम्परेचर है प्रेशर है तो उस पर क्या होता हुआ, कंडेंस नहीं होता है। तो ये दोनों भी पढ़कर भी आप समझ सकते हैं, ऐसे परेशान ना हो। कई बार क्या होता है हमारी भाषा समझ नहीं आती बहुत सारे स्टूडेंटों को, तो इसको वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। चलते नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट। नेक्स्ट क्या है, ये सब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर चल रही है, लेटेंट हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो जो लेटेंट हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट की कैसे होनी चाहिए, हाई होना चाहिए। कैसे होनी चाहिए, हाई। लेटेंट हीट आप लोग जानते होंगे कि वही हीट होती है जिस पर कोई भी लिक्विड या फिर गैस या वह क्या करती है, अपने फेस परिवर्तन करती है। क्या करती है, फेस। जैसे यहां पर हम लिक्विड यूज करेंगे तो वह लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। फिर वेपर से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। तो वह कैसा होना चाहिए, जो हमारी लेटेंट हीट रेफ्रिजरेंट के लिए कैसे होनी चाहिए, हाई होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लेटेंट हीट दी गई, कुछ कॉमन जैसे कि अमोनिया के लिए दी गई, R12 के लिए दी गई, यहाँ पर लिखी हुई है 1314 किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम R12 के लिए 159 होती है। तो ऐसे डाटा है, कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो इनको आप नोट करके रखें। अब सेकेंड टाइप स्टार्ट हो रहा है, इसमें लिखा सेफ वर्किंग प्रॉपर्टी। सेफ वर्किंग मतलब जो रेफरेंट हम यूज करेंगे वह हमारे एनवायरमेंट के लिए और हमारे लिए किस तरह का काम करते हैं, मतलब जो हार्मफुल है या फिर नहीं है। तो हम जानते हैं, एक पहले होते हैं टॉक्सिसिटी मतलब, और दूसरा है फ्लेमेबल। ये दो टाइप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें हम जानते हैं कि टॉक्सिसिटी के मतलब ऐसे रेफरेंट जो हमारे पे इफेक्ट करते हैं। तो उनमें से कुछ रेफरेंट हैं जो मानव शरीर पे इफेक्ट कर सकते हैं, इनका प्रभाव रह सकता है, जैसे कि CO2, F12। तो इनका इसलिए कहाँ पर यूज किया जाता है, जो हमारे समुद्र में जो हमारे जहाज वगैरह होते हैं, शिप वगैरह होते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। जिससे हमारे जो, जैसे हम अपने घर में रेफ्रिजरेंट होते हैं तो हमारे एनवायरमेंट है जो आसपास का, वहां पर जो हम लोग रहते हैं, जो उस पर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। इसी तरह क्या होता है, फ्लेमेबिलिटी मतलब होता है रेफ्रिजरेंट की जलने की कैपेसिटी को बताता है। तो जो फ्लेमेबल हमारे रेफ्रिजरेंट है उसमें CO2 कैसा होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है, और जो हमारा हाइड्रोकार्बन है यह क्या होता है, हाईली फ्लेमेबल होते हैं। इसलिए कैसे होना चाहिए, आइडियल रेफ्रिजरेंट है और शुड नॉट बी फ्लेमेबल, मतलब इनको फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब चलते हैं और भी नेक्स्ट टाइप के समझते हैं। तो ये सेकंड टाइप ही चल रहा है, इसमें क्या लिखा,
कोरोसिवनेस का मतलब जो रेफ्रेंट हम यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे एवेपोरेटर के अंदर है, जो भी हमारी साइकिल चल रही है, जो पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, उससे संपर्क के आने पर उसमें क्या होती है, उससे जंग नहीं लगना चाहिए। रेफ्रेंट से क्या होना चाहिए, उसमें जंग नहीं लगना चाहिए, जिससे क्या कोरोसिवनेस नहीं होना चाहिए उसके अंदर। कुछ ऐसे मटेरियल हैं जैसे उनके साथ वह क्रिया नहीं करता है, उससे जंग नहीं लगती, ऐसे सीयू हो गया, मतलब कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन, इस तरह के क्या होते हैं कुछ मटेरियल हैं जिनके साथ उसका कोई भी कोरोसिवनेस मतलब कैसी रहती है, जीरो रहती है, नॉन कोरोसिव होते हैं। इस तरह क्या होता है केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब होता है जब फ्लो होते हैं अदर केमिकल से अगर कॉन्टेक्ट करते तो उनके साथ कोई रिएक्शन उनका नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट आइए इफेक्ट ऑन स्टोर प्रोडक्ट। इफेक्ट ऑन स्टोर प्रोडक्ट का मतलब है कि जो हम प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं, जो हमारा रेफरेंट यूज कर रहे हैं, उसका उन पर, उनके कलर पर, टेस्ट पर, उनकी क्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मतलब समझ गया होगा, जैसे कोई भी हमारा रेफ्रिजरेटर यूज हो रहा है, ऐसा का मतलब ये नहीं है जो भी हमने उसके अंदर वस्तुएं वगैरह रख दिया, कुछ भी रख दिया, अब उनके कलर पे, टेस्ट पे या क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, या जो हम रेफ्रिजरेटर यूज कर रहा है जिसके अंदर वह फ्लो हो रहा है, उस मटेरियल में जो पाइप वगैरह बने रहते हैं जिसके अंदर फ्लो होता है, उसके मटेरियल पे उस पर इफेक्ट हो रहा है, इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें अमोनिया क्या है, कई बार क्या होता है वाटर में जो घुलनशील होता है, इसलिए अमोनिया की जगह आजकल आर्ट ऑयल R23 रिप्लेस किए गए जो डेयरी और फ्रोजन प्रोडक्ट है फूड इंडस्ट्रीज में, तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो पहली आती है स्पेसिफिक वॉल्यूम और दूसरी होती है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसा होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का, इसमें बताने की कोशिश की गई। इसमें क्या होना चाहिए, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम होना चाहिए एट कंप्रेसर इनलेट। जो कंप्रेसर का इनलेट है जहां पर हमारा जो वेपर है वह कंप्रेसर के अंदर एंटर करती है, तो उसका कैसा होना चाहिए स्पेसिफिक वॉल्यूम लो होना चाहिए, क्योंकि यह क्या करता, यह जो यह क्या करता है रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर की जो सेम कैपेसिटी के लिए कंप्रेसर के साइज को रिड्यूस कर देता है। जबकि ऐसा जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है इसमें क्या होता है, जो हमारी जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है कैसा यूज करते हैं, हाई करते हैं। अब स्पेसिफिक हीट की बात करें तो जो स्पेसिफिक हीट है वह कैसे होनी चाहिए, लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए फॉर लिक्विड रेफ्रिजरेंट के लिए। जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसके लिए कैसे होनी चाहिए, लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए, जबकि जो हाई स्पेसिफिक हीट है वह किसके होनी चाहिए, वेपर रेफ्रिजरेंट के लिए होनी चाहिए। याद रहे जो हमारे लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उनके लिए लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए, जो हमारे वेपर रेफ्रिजरेंट है उनके लिए कैसे होनी चाहिए, हाई स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए। क्योंकि ये क्या करता है, जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, किसके रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, उसकी स्पेसिफिक हीट होने चाहिए। अब एक दो टाइप और हैं उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट देखें तो थर्मल कंडक्टिविटी। अगर थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। जबकि जो विस्कोसिटी है, क्या विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी, क्योंकि जो हमारा वेटर हीट ट्रांसफर और लो पंपिंग पावर के लिए कैसे होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी होनी चाहिए। अब लास्ट टाइप और है उनको भी समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट में अदर टाइप में देखें तो अदर टाइप में भी आता है ऑडोर, मतलब गंध जो आती है, और लीक टेंडेंसी, मतलब गंधयुक्त होंगे तो हमारे भोजन वगैरह में बदबू आएगी, उसका कहने का मतलब ये है। इस तरह जो लीक टेंडेंसी वाले होंगे तो हमारे जहाँ ज्वाइंट होते हैं वहां पर अगर ये जाएगा तो वहां पर क्या होती है, मतलब ज्वाइंट है वहां पर लीक हो सकता है। तो इस तरह क्या होनी चाहिए, ये भी उसके अंदर क्या हो, लीक टेंडेंसी होनी चाहिए, मतलब लीकेज वाले नहीं होने चाहिए, गंध वाले भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, हो सकता है थ्योरी एग्जाम में तो पता ही आपको क्वेश्चन आता ही है तो आप लिखाएंगे जो भी है, जितनी भी आपको याद होंगी, लेकिन जो गवर्नमेंट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते आते हैं उनके पर्पज से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो इनको आप अच्छे समझ लेंगे तो बन जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।